खबर उत्तरकाशी से। गंगोत्री धाम के कपाट भी बंद हो गए हैं। सुबह 4 बजे बंद किए गए हैं मां गंगा के मंदिर के कपाट। यहां सूतक लगने से पहले ही तीर्थ पुरोहितों ने कपाट बंद कर दिए। सूर्य ग्रहण के बाद मां गंगा के कपाट खोले जाएंगे। कल मां गंगा के मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे और उससे पहले आज सूर्य ग्रहण की वजह से सुबह 4 बजे मां गंगा के मंदिर के कपाट को बंद कर दिया गया है। सूतक लगने के कारण ये कपाट बंद किए गए हैं तीर्थ पुरोहितों के द्वारा। सूर्य ग्रहण के बाद ही अब मां गंगा के कपाट खोले जाएंगे। बता दें कि कल मां गंगा के मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे और ये तस्वीर उस दौरान की सुबह 4 बजे जब कपाट बंद किए गए। सूर्य ग्रहण के चलते सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए हैं और सुबह 4 बजे की ये तस्वीर जहां कल मां गंगा के मंदिर के कपाट 6 महीने के लिए बंद भी हो जाएंगे लेकिन आज जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा उसके बाद कपाट खोले जाएंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं इस वक्त उत्तरकाशी से। गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं सूर्य ग्रहण के चलते। सुबह सुबह 4 बजे सूतक लगने से पहले ही तीर्थ पुरोहितों ने कपाट बंद कर दिए। ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के समय मंदिरों में पूजा अर्चना नहीं की जाती है, कपाट बंद कर दिए जाते हैं। और ये तस्वीरें आप उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की देख रहे हैं जहां सुबह कपाट बंद किए गए हैं। हालांकि कल 6 महीने के लिए मां गंगा के मंदिर के कपाट बंद होने वाले हैं लेकिन आज जब सूर्य ग्रहण जब तक चलेगा तब तक ये कपाट बंद रहेंगे। और दिग्वीर मिश्र हमारे संवाददाता जुड़े हैं। दिग्वीर, ये तस्वीर हम सुबह 4 बजे की देख रहे हैं जब कपाट बंद किए गए हैं। कल वैसे भी 6 महीने के लिए बंद हो जाएंगे मां गंगा के मंदिर के कपाट। आज की संभावना है जब सूर्य ग्रहण खत्म होगा तब खुले और कुछ ही देर के लिए श्रद्धालुओं को दर्शन का मौका मिले। जी अनु, आपको बता दूं आज सुबह ही 4 बजे मां गंगा के कपाट सूर्य ग्रहण के मौके पर जो सूतक लगा है 4:26 पर यहां पर सूतक लग चुका था और चार बजे के आसपास मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए हैं और अब जो पूरे दिन भर आज मां गंगा के कपाट बंद रहेंगे और ठीक जब सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाएगा तो शाम के 6 बजे के आसपास मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे और शाम के टाइम पे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और जो देश विदेश के श्रद्धालु जो गंगोत्री धाम में आए हुए हैं वो मां गंगा के दर्शन कर पाएंगे। तो कल आज का दिन है शाम से और कल ठीक 12:01 पर मां गंगा के कपाट देश विदेश के श्रद्धालुओं के लिए 6 माह के लिए बंद कर दिए जाएंगे। तो शीतकाल में जो मां गंगा के दर्शन है वो मुखवा ऊंची मठ में हो पाएंगे। तो आज सूर्य ग्रहण है जिससे आज मां गंगा के दर्शन श्रद्धालुओं को सुलभ नहीं हो पाएंगे। तो जो श्रद्धालु गंगोत्री धाम पहुंचे हुए हैं अब उनको इंतजार है कि शाम को कब मां गंगा के कपाट खुलेंगे और वो मां गंगा के दर्शन करेंगे। बिल्कुल, और कई ऐसे भी श्रद्धालु होते हैं दिग्विजय जो कि आते हैं और उन्हें पता नहीं रहता है कि इस तरह से सूर्य ग्रहण लगने वाला है और मंदिर के कपाट बंद हो जाएंगे। उनके लिए थोड़ी निराशा हो सकती है लेकिन मौका जरूर 6 बजे के बाद उन्हें मिलेगा। ऐसी संख्या है वहाँ श्रद्धालुओं की काफी? हाँ जी, आपको बता दूं जैसे कपाट बंद होने कुछ ही समय क्षण बचे हुए हैं तो लेकिन कहीं ना कहीं जो देश विदेश के श्रद्धालु हैं वो मां गंगा के दर्शन करने के लिए काफी संख्या में गंगोत्री धाम में भीड़ लगी हुई है। तो लगभग 3-4 दिन से लगातार जो श्रद्धालु हैं वो काफी तादाद में गंगोत्री धाम में है तो लगातार जो यात्रा है यात्रा भी अपने चरम पे चल रही है। तो कहीं ना कहीं जो अंतिम क्षण है जो यात्रा का तो जो देश विदेश के जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पे है और कहीं काफी भीड़ मची हुई है और जो शाम के टाइम जब कपाट खुलेंगे तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो धाम में जो जिस तरह भी पहले भी हमने जो कवरेज दिखाई है तो काफी भीड़ तादाद में जो संख्या थी तो कहीं ना कहीं जो यात्रा है अंतिम चरण में तो श्रद्धालु मां गंगा के दर्शन करने के लिए जो 6 बजे के बाद बिल्कुल काफी संख्या में उमड़ सकते हैं श्रद्धालु दर्शन करने के लिए। दिग्विजय, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।